एक बार की बात है, किशन नगर नामक गांव में रितु अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। रितु की माँ रितु को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रितु की सौतेली माँ रूपा देवी बहुत ही बुरी औरत थी। वह अपनी बेटी रेखा से प्यार करती थी, रितु से नफरत करती थी, कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे परेशान करने का, हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती और जब दिल करता तब उसकी पिटाई भी क्या करती थी। एक दिन रेखा की फ्रेंड का बर्थडे था और रेखा अच्छे से तैयार होकर अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी कि तभी रितु रेखा के पास आती है और उसे कहती है, रेखा क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मेरा पार्टी करने का बहुत दिल कर रहा है। क्या कहा, तू मेरे साथ मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है, अपनी औकात भूल गई क्या, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे साथ चल सके, तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर रहे, इस घर की बेटी बनने की कोशिश मत करना, वरना तुझे सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हाँ, रितु को रेखा की हरकत का अंदाजा था, वह जो कहती है वह सही कर लेती है, इसलिए वह चुपचाप रेखा के रूम से बाहर निकल जाती है और अपना काम करने लग जाती है। रितु धीरे धीरे पोछा लगा रही थी तभी रूपा देवी रितु को इतने धीरे काम करते देखकर आग बबूला हो जाती है और उसके पास जाकर उसके एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों महारानी हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो इतने धीरे धीरे काम कर रही है, तुझसे मैंने कहा था मुझे एक अच्छी सी चाय चाहिए मगर महारानी ने अभी तक मुझे चाय नहीं दी, पता नहीं किन ख्यालों में डूबी रहती है, चल जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लेकर आ और मेरे सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर देना। ऐसा कहकर रूपा देवी रितु को चाय बनाने भेज देती है। रितु बहुत रोती है और रोते रोते अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बना के लेकर आती है। माँ लीजिए चाय, इतनी देर में मेरे लिए चाय बना के लेकर आई है, अब इस चाय को तू ही पी। ऐसा कहकर रूपा देवी वह चाय रितु के हाथों पर फेंक देती है जिसकी वजह से रितु का हाथ बहुत जलता है। सुन मनहूस, आज के बाद मेरे काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, आज तो सिर्फ तेरे हाथ पर चाय ही फेंकी है, अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो तेरा वह अंजाम अच्छा नहीं होगा, मेरी बात अच्छी तरह सुन ले, अब मेरा मुँह क्या देख रही है, चल मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर। जी जी माँ, मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री कर अलमारी में लगा दिए हैं, चल अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो। रितु रोते हुए अपने रूम में जाकर अपनी माँ को याद करती है। माँ मेरी सौतेली और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है, कभी किसी के पिता को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वह बहुत अत्याचार करती है, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, आप मुझे अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता, मैं पूरे घर का काम करती हूँ लेकिन फिर भी एक पल भी सुकून की सांस नहीं ले सकती, ना ही बाहर घूमने जा सकती, ना ही किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ, बस नौकरानी की तरह काम 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 करती रहूं। ऐसा कहकर रितु बहुत रो रही थी तभी रितु देखती है कि उसकी माँ की आत्मा उसके सामने खड़ी है जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आप हकीकत में मेरे सामने खड़ी हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर रूपा देवी और रेखा कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, मैं तुम्हें जादुई चूड़ियाँ देती हूँ। माँ जादुई चूड़ियाँ, इससे क्या होगा, क्या मेरी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी, मुझे अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, यह जादुई चूड़ियाँ हैं, तुम इन्हें पहन लेना, इनकी मदद से तुम्हारे हाथ के सारे छाले ठीक हो जाएंगे और तुम जो भी काम करोगी वह काम तुरंत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाएगी जिसकी वजह से तुम रूपा देवी और रेखा को अच्छी तरह सबक सिखा सकोगी। माँ मुझे यह चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, इन्हें पहनने के बाद तो मेरे हाथ बहुत सुंदर लगेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तू तो है ही बहुत सुंदर और तेरे हाथों में यह चूड़ियाँ और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी, लेकिन अब समय आ गया, मुझे वापस जाना होगा, अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। माँ आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, आप मेरे साथ रहो ना। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे तेरे ऊपर इतना अत्याचार देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं भगवान जी से थोड़ी सी मोहलत लेकर तुमसे मिलने आई हूँ,
अब मुझे अपने समय पर जाना होगा, मुझे जाने दो। ठीक है माँ, आप अपना आशीर्वाद तो मुझे देकर जा ही रही हैं इन जादुई चूड़ियों के रूप में। रितु की माँ की आत्मा चली जाती है और रितु वह जादुई चूड़िया पहन लेती है। जैसे ही रितु वह जादुई चूड़िया पहनती है तो उसके हाथ बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाते हैं और जो छाले थे वह भी ठीक हो जाते हैं। तभी रितु को एक आवाज आती है, रूपा देवी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओ रितु मनहूस कहाँ है महारानी, बस 24 घंटे आराम करती रहती है, जल्दी मेरे पास आ, तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ, सुबह की पिटाई भूल गई है क्या? माँ क्या हुआ, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? क्यों महारानी, अपने रूम में क्या कर रही थी, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ लेकिन तुझे आवाज नहीं जा रही? माँ क्या काम है, मैंने सभी काम तो कर दिए हैं। सब काम कर दिए? मनहूस तुझे पता है ना, मेरी बेटी रेखा को समय पर खाना खाने की आदत है, तूने उसके लिए लंच बना दिया, मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती, चल जल्दी से उसके लिए लंच बना, मेरी बच्ची कॉलेज से आती ही होगी। ठीक है माँ, मैं अभी रेखा के लिए लंच बना देती हूँ। इतना कहकर रितु लंच बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन रितु को लंच बनाना ही नहीं पड़ता क्योंकि उसने जादुई चूड़ियां पहन रखी थी, जिसकी वजह से वह जो भी कहती वह तुरंत हो जाता। कुछ समय बाद रेखा कॉलेज से आ जाती है। मम्मी जल्दी से मेरे लिए खाना लगवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ओ मनहूस जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ, मेरी बेटी कॉलेज से आ गई, उसे भूख लग रही है। रितु खाना लेकर आ जाती है, तभी रेखा की नज़र रितु के हाथों पर जाती है जो उसने जादुई चूड़ियां पहन रखी थी। मम्मी इसके पास इतनी सुंदर चूड़ियां कहाँ से आईं? यह चूड़ियां मैंने खरीदी हैं, बाहर बेचने के लिए चूड़ी वाला आया था, यह चूड़ियां मैंने उससे ली हैं। क्यों महारानी तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने इतनी सुंदर चूड़ियां खरीदी हैं? ला चुपचाप यह चूड़ियां मुझे दे, तेरी चूड़ी पहनने की औकात नहीं है कि तू अपने हाथों में चूड़ियां पहने, यह तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही है, मेरी बेटी के हाथों में यह चूड़ियां अच्छी लगेंगी, तू तो जैसी नौकरानी के हाथों में नहीं। रितु वह जादुई चूड़ियां रूपा देवी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन रूपा देवी उसकी बहुत पिटाई करती है, जिसकी वजह से रितु वह चूड़ियां रूपा देवी को दे देती है। ले मेरी प्यारी बच्ची चूड़ियां, वाकई में ये तो बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी और मेरी बेटी बिल्कुल शहजादी लगेगी। हाँ मम्मी ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर चूड़ियां हैं, इन्हें तो मैं अपने हाथ में पहनूंगी और सबको दिखाऊंगी। इतना कहकर रेखा वह जादुई चूड़ियां पहन लेती है और जैसे ही चूड़ियां पहनती है तो उसके हाथों में मोटे मोटे छाले हो जाते हैं और उन छालों में बहुत जलन हो रही थी। मम्मी मम्मी यह कैसी चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में बहुत मोटे मोटे छाले पड़ गए और मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज कुछ करो ना। क्यों मनहूस लड़की तूने क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथों में इतने मोटे मोटे छाले हो गए? रूपा देवी के इतना कहते ही रितु कहती है, माँ यह कोई मामूली चूड़ियां नहीं है, यह मेरी माँ के आशीर्वाद की जादुई चूड़ियां हैं, अब तुम्हारी बेटी के हाथ ऐसे ही जलते रहेंगे, तुमने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रितु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रूपा देवी अचंभित हो जाती है कि जो लड़की उसका चुपचाप अत्याचार सहती थी वह आज ऐसा क्यों बोल रही है, और वह उसके पास उसे मारने के लिए आती है तो तभी रितु हाथ घुमाकर मारती है तो रूपा देवी बहुत दूर जाकर गिरती है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं किसी का अत्याचार नहीं सहूंगी। रितु जादुई चूड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को अच्छी तरह सबक सिखा देती है और उन दोनों से घर का सारा काम करवाती है। रेखा और रूपा देवी दोनों चुपचाप जैसा रितु कहती वैसा ही करती रहती हैं और रितु बहुत खुशी खुशी अब अपनी माँ की जादुई चूड़ियों की मदद से घर में आराम से रहती और अपनी माँ को धन्यवाद भी कहती है।